रामकृष्ण की बुद्धि का लोहा तो विजयनगर क्या समस्त साम्राज्य मानता है। हाँ, ये भी करके दिखाएंगे, है ना, है ना, है ना। हाँ, अरे क्या। हाँ, हाँ, हाँ। पंडित रामकृष्ण, हम आपको कल तक का वक्त देते हैं। महल बनाने के लिए आपको जितना खर्च लगेगा वो हम आपको देंगे। जो लागत आएगी, जो भी सामान चाहिएगा वो हम देंगे। आप जहाँ मांगेंगे वहाँ देंगे, मगर हवा महल बनाकर आप अपनी अकलमंदी साबित कर दीजिए पंडित रामकृष्ण, नहीं तो अपनी शिकस्त मान लीजिए। ऐसी कोई चुनौती नहीं है जो पंडित रामकृष्ण पूर्ण नहीं कर सकते हैं। पंडित रामकृष्ण के पराजित होने का प्रश्न ही नहीं उठता, हमारा विश्वास है। चाहिए पंडित रामकृष्ण की ओर से ये चुनौती हम स्वीकार करते हैं। ये कार्य तो असंभव है। ये हवा महल बनाते बनाते तो पंडित रामकृष्ण की बुद्धि हवा में विलीन हो जाएगी। हम भैया के लिए भोजन लाए हैं। आपको मात्र कुछ समय के लिए भेंट करने की अनुमति मिली है। जी। इस महल का नक्शा है, ये जो है इस स्थान पे शाही खजाना छुपा हुआ है। इसका मतलब है स्वादिष्ट मिष्ठान। बहुत अच्छा कार्य किया आपने और बहना आपने। अब हमारे पास खाने की सामग्री है और पकवान का भंडार भी। खजाने का मीठा पकवान खाने के लिए हमें पहले मावा बनाना पड़ेगा। थोड़ा कार्य कठिन है परंतु असंभव नहीं। मिष्ठान बनाने के पश्चात सबको भाग बराबर मिलेगा। हम दोनों मिष्ठान बनाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। जल्द ही मैं विजयनगर राज्य का सारा मिष्ठान अर्थात खजाना चुरा लूंगा और किसी को संदेह भी नहीं होगा कि ये सारी चोरी मैंने कारावास में रहकर की है। ये महाराज सदैव फंसा देते हैं मुझे। बोल तो दिया हवा में महल बनाना है, अरे किंतु हवा में महल बनाना असंभव है, असंभव। तो कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। पोता उड़, मैना उड़, चिड़िया उड़। एक घंटे को मार चाचू कम थे जो ये मामा भी आ गए। फुर 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 फुर। मनी। रामा गुरुदेव, मुझे ज्ञात है आप बहुत विचलित हैं उस पहेली को लेकर। हाँ, मैं भी उसी विषय के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे पास एक उपाय है। अच्छा, आपके पास उपाय है? क्या उपाय है? आपको कड़ी तपस्या करनी होगी। भगवान विश्वकर्मा को आपको प्रसन्न करना होगा। एक बार वो प्रसन्न हो गए ना तो एक क्या हवा में दो दो महल बना देंगे वो। दो दो। क्या उपाय दिया है? तो सब कुछ यदि तपस्या करके ही प्राप्त होता है तो हम तो व्यर्थ में ही कार्य करके समय नष्ट कर रहे हैं। क्यों, उचित कहा ना मैंने? वही तो मैं कह रहा था आपसे गुरुदेव, वही कह रहा था। क्या, मैं भी यही तो कह रहा था। सोचने का कार्य मुझे करने दीजिए, चाहिए आप घर के अन्य कार्य कीजिए। जी गुरुदेव जी। भास्कर बोलो अम्मा, बोलो अम्मा। अम्मा, ये तुमने बोला? एक बार वापस बोलो, बोलो अम्मा। अम्मा, आपने सुना, आपने सुना भास्कर ने अम्मा बोला? हाँ। भास्कर एक बार वापस बोलो, बोलो अम्मा। अम्मा, आपने सुना? हाँ। मम्मा को अभी बताते। हाँ। अम्मा, अम्मा। हवा महल बनाने के लिए आपको जो लागत आएगी, जो भी सामान चाहिएगा वो हम देंगे। आप जहाँ मांगेंगे वहाँ देंगे। महारानी चिन्ना देवी, हमने उस पहेली को सुलझाने की बहुत कोशिश की परंतु हमें कोई हल नहीं सूझ रहा है। तो क्या करेंगे हम? लगता है पंडित रामकृष्णा और दोनों महारानियां पहेली का जवाब देने के लिए बेचैन हैं।
हमारे विचार से हमें पंडित रामाकृष्णा से प्रारंभ करना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं गुरुवर? महारानियों के होते हुए भला पहले मैं उत्तर कैसे दे सकता हूँ? महारानियां पद में बड़ी हैं, उचित यही होगा कि पहले उत्तर यही दे। नहीं नहीं, आप ब्राह्मण हैं, पूजे हैं, आप ही आरंभ कीजिए। नहीं नहीं महारानी जी, आपका अनादर होगा, पहले उत्तर आप ही दें, आप महारानी हैं। हम महारानी हैं तो क्या हुआ, आप ही तो पंडित रामकृष्णा है ना। और हम है कमाल मुस्तफा, ऐसा करते हैं जिससे मजा आ जाए, पुनः मोहतरमा से शुरू किया जाए। हाँ, ये उचित रहेगा। परंतु मोहतरमा है कौन? मोहतरमा आप ही तो हैं। हाँ? मोहतरमा मलिका सदर महफिल, सब आप ही तो हैं, शुरू कीजिए। हाँ, ये उचित है, ये उचित है, ये उचित है। ये है 3 सेर का बर्तन और ये 5 सेर का बर्तन। महारानी आपको याद होगा, पहली की शर्त के मुताबिक आप दोनों को इन दोनों बर्तनों का इस्तेमाल करते हुए 1 सेर पानी नापना है। हाँ, तो कर तो रही हैं और हमें पूरा यकीन है कि ये कामयाब भी होंगी। प्रश्न हमारी मूछ और हमारे बालों का है महारानी चिन्ना देवी जी, कुछ कीजिए। पहेली का हल मिल गया है। एक सेर जल नापने के लिए हमें सर्वप्रथम 3 सेर के पात्र को जल से भरना होगा और उसके बाद हम 5 सेर के पात्र में उस जल को डाल देंगे। यदि हम इस 3 सेर के पात्र को पुनः भरकर इस 5 सेर के पात्र में डालेंगे तो मात्र इसमें 2 सेर जल ही आ पाएगा और 1 सेर जल इस 3 सेर के पात्र में शेष रह जाएगा। ये लीजिए मुल्ला नसरुद्दीन महोदय जी, आपका 1 सेर जल। उत्तर सही है या गलत? माशाल्लाह माशाल्लाह, तो कम वक्त में सही जवाब दी, सही जवाब दी। अद्भुत महारानी चिन्ना देवी, हमारे अतिरिक्त मात्र आप ये कार्य कर सकती थी। धन्यवाद गुरुवर। गुरुवर अर्थात हम नहीं कर सकते थे? नहीं, वो हमारा कहने का तात्पर्य है कि हमारे अतिरिक्त मात्र आप दोनों ही कार्य कर सकती थी। इस पूरी कायनात में ऐसा कोई काम नहीं जो आप ना कर सके। माशाल्लाह, क्या खूब दिमाग पाया है आपने, वाह। चलो, इस बार तो महारानी चिन्ना देवी ने मूंछ और बाल दोनों को बचा लिया। अब आपकी बारी है पंडित रामकृष्ण। महाराज, दोनों महारानियों ने अपनी बुद्धि का प्रमाण तो दे दिया, अब अवसर है पंडित रामकृष्ण का। पंडित रामकृष्ण जी, अब आप अपनी बुद्धिमता का परिचय दीजिए हवा में महल बनाकर। बालक,
बहुत उड़ रहे थे ना अब तक पंडित रामकृष्णा, अब आके धरती पर गिरोगे। हवा में महल बनाने की तैयारी बाहर सुचारू रूप से आरंभ हो गई है। बड़ी कठिनाई से कुशल कारीगरों की व्यवस्था की है मैंने। कारीगर? हाँ गुरुवर, बड़े ही कुशल कारीगर हैं। संपूर्ण रात्रि लग गई उन्हें ढूंढने में। संपूर्ण रात्रि कारीगर ढूंढते रहे? गुरुदेव, ये तो आपने मुझे बताया नहीं, ये कब किया आपने? मनीष शांत रहिए ना। ये कैसे मुमकिन है? हमने तो पंडित रामकृष्णा को सिर्फ उकसाने के लिए कुछ भी बोल दिया था। ये पंडित रामकृष्णा की आदत है परिहास करने की, परिहास कर रहे हैं। अब बताइए, हवा में महल बनाना भी क्या संभव हो सकता है? कदापि संभव नहीं हो सकता है। अरे तो स्वयं चलकर बाहर देख लीजिए गुरुवर। पंडित रामकृष्ण ने हवा में महल बांधने के लिए कौन सी विचित्र युक्ति लगाई है? चलिए महोदय, सभी दरबार के बाहर जाते हैं और देखते हैं कि ये हवा महल कैसे बन रहा है। जी महाराज, आइए। ये कैसी अजीब सी आवाज है? ये अजीब सी आवाज नहीं है शहजादा महोदय, ये मेरे कारीगरों की आवाज है। सुनिए तो सही कितने उतावले हो रहे हैं। आपको बस उन तक सामान पहुंचाना है। कारीगर उतावले हो रहे हैं? कहाँ उतावले हो रहे हैं? हमें तो कारीगर दिखाई नहीं दे रहे। मात्र उनका स्वर सुनाई दे रहा है। गुरुवर, आप इतने महान हैं, हाँ हैं, विद्वान हैं, बिल्कुल हैं, फिर भी इतनी सरल सी बात नहीं समझ पाए। तो इतनी सी बात समझाइए ना। तो ये कि जब महल हवा में बनाना है तो कारीगर भी तो हवा में ही होंगे ना। ऊपर देखिए गुरुवर, ऊपर देखिए। महारानी तिरुमलंदा, संयम रखिए। कर लो, इत लो। आ तोता मैना, ये तेरे रामा गुरुदेव के तोता मैना कैसे बनाएंगे हवा में महल? बन गया मुंह पे महल। बन गया दूसरा महल। पंडित रामकृष्णा, ये पक्षी हवा में महल का निर्माण कैसे करेंगे? करेंगे महाराज, आप देखते जाइए। हाँ तो शहजादा महोदय, आपने कहा था कि हवा में महल निर्माण हेतु आवश्यक समस्त सामग्रियां आप प्रदान करेंगे। महल बनाने के लिए आपको जो लागत आएगी, जो भी सामान चाहिएगा वो हम देंगे। जहाँ मैं कहूँगा वहाँ प्रदान करेंगे। आप जहाँ मांगेंगे वहाँ देंगे। तो बस जैसा आपने कहा था वैसा कर दीजिए और मेरे कारीगरों तक महल बनाने का सामान पहुंचा दीजिए। और शीघ्र कीजिएगा, अन्यथा महल निर्माण कार्य में विलंब हो जाएगा। विलंब हो जाएगा, विलंब हो जाएगा, विलंब हो जाएगा, विलंब हो जाएगा, विलंब हो जाएगा। अब फंसे शहजादे महोदय। क्या हुआ शहजादा महोदय, आपने महल बनाने की सामग्रियों की व्यवस्था ही नहीं की क्या? शहजादे जी, वचन दिया था आपने कि हवा में महल निर्मित करने की सामग्री आप देंगे, और वो भी जहाँ पंडित रामकृष्ण कहेंगे वहीं देंगे। हाँ, तो अब इन्हें ये सामग्री ऊपर आप ही को पहुंचानी होगी, अन्यथा आप शर्त हार जाएंगे। शहजादे, हम बोली थी ना, पंडित रामकृष्ण बहुत सही है, इसको बेवकूफ नहीं बना सकती। पंडित रामकृष्ण, हम तो मजाक
कर रहे थे। आप इसे हमारी छोटी सी नादानी समझ के माफ कर दीजिए। हम अपनी हार कबूल करते हैं। अति उत्तम पंडित रामकृष्ण, अति उत्तम। अरे क्या फसाया है, वो भी आसमान में। धन्यवाद मंत्री। वाह वाह वा, बहुत अच्छे पंडित रामा, बहुत अच्छे है। संभवतः प्रथम बार इस पंडित रामकृष्णा की विजय पर भी हमें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, क्योंकि शहजादे की हार हुई। बहुत उड़ रहे थे ना सौदामिनी के आसपास, अब आ गई बुद्धि ठिकाने पर। बेमिसाल हैं आप, बेहतरीन हैं आप। हम तो कहेगी जब तक सूरज चांद रहेगी पंडित रामकृष्णा आपका नाम रहेगी। वाह 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 वाह। सत्य कहा आपने मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, सत्य कहे तो एक क्षण के लिए तो हम भी चिंतित हो गए थे कि पंडित रामकृष्ण अंततः हवा में महल कैसे बनाएंगे। लेकिन पंडित रामकृष्ण अद्भुत हैं आप। आप जैसा बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति संभवतः कहीं नहीं होगा। धन्यवाद महाराज। पंडित रामकृष्णा ने पहले को हल कर दिखाया। इसका मतलब यह नहीं कि इनके अलावा सारे जहान में कोई और दानिशमंद है ही नहीं। यह सही कहा आपने, सही कहा। अगर आपके पास पंडित रामकृष्णा है तो हमारे पास भी मुल्ला नसरुद्दीन है, जिनकी अकलमंदी किससे दूर दूर तक मशहूर है। हम तो कहते हैं कि आप इन्हें पहेली दीजिए। और हमें पूरा यकीन है कि ये उसे जरूर हल कर दिखाएंगे। शहजादे हमें पहेली की जाल में क्यों फंसा रही है? देखते हैं महाराज मुल्ला नसरुद्दीन महोदय से क्या पूछते हैं। हमारी मूछें भले ही महारानी तिरुमलम्बा की वजह से दांव पर लगी थी, परंतु उसका कारण तो आप ही थे मुल्ला जी। अब मिला है अवसर प्रतिशोध का, परंतु पहली क्या पूछें? मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, हम बहुत समय से सोच रहे थे कि चांद की सैर कराएं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए, हमारे चांद की सैर के लिए यहां से चंद्रमा तक की सीढ़ियां तैयार करवाइए। ये कैसे संभव है? सच्ची? महाराज हमें ज्ञात था एक दिन आप हमको चांद पर अवश्य ले जाएंगे। महारानी तिरुमलम्बा सीढ़ी तो बन जाने दीजिए पहले। वो दिन आ गया। ये कैसी असंभव पहेली दे दी महाराज ने मुल्ला नसरुद्दीन महोदय को। चांद तक सीढ़ी लगाना, चांद की सैर पर जाना, ये तो अवास्तविक है। ये नामुमकिन है ना। मुल्ला नसरुद्दीन को चुनौती मंजूर है। कल सुबह तक महाराज के चांद तक जाने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन सीढ़ी लगा देंगे। और अगर मुल्ला नसरुद्दीन कामयाब नहीं हुए तो हम हमारे बाल कटवा देंगे। उचित है तो कल चांद पर सैर करने की प्रतीक्षा करेंगे मुल्ला नसरुद्दीन महोदय। हम ये कैसे करेंगे? क्या किया शहजादे? झुकी झुकी सी नजरें हैं, इनमें कोई पैगाम है क्या? आ!
इन नाजुक सी हथेलियों में जो छिपा है वो मेरा नाम है क्या? सौदामिनी का तो पता नहीं, इसका नाम हमारे हाथों में अवश्य लिखा है। हमारे हाथों ही इसकी हत्या होगी। आप राजगुरु हैं, आपके लिए हत्या पाप है। ये भी तो समस्या है। कुछ भी हो जाए, इस शहजादे को भगाने के लिए हमें ही कुछ करना होगा, अन्यथा हम सौदामिनी को सदा सदा के लिए खो बैठेंगे। वरुण माला जी। स्वामी इधर आओ। ये क्या है? ये शक्कर नींबू का घोल है। किसके लिए लेके जा रही हूँ? स्वामी ये सौदामिनी के लिए है, इसे लगाने से मेहंदी बहुत गहरी रचेगी। वरुण माला जी यहाँ लाओ, हमें दो, हम शहजादी को दे देंगे। आप जाइए जाकर भोजन का प्रबंध कीजिए। स्वामी जोड़ी कितनी अच्छी है ना, बिल्कुल शिव पार्वती जैसी। जाओ क्यों? तनी ये तुम्हें नींबू और शक्कर का घोल शहजादे की शैया पर डालना होगा। रात्रि में जब शहजादा सो रहा होगा, इस शक्कर की सुगंध पाकर चींटियां आएंगी और इस शहजादे को काटेंगी। ये ठहरा शहजादा कष्ट झेल पाएगा, अर्धरात्रि में ही दुम दबाकर भाग जाएगा। महाराज किशनदेव राय ने हमारी कड़वी दवाई हमको ही पिला दी, अब हम चांद तक जाने की सीढ़ी कहां से बनाएगी? पिछली बार हम नगर में घूम रही थी तो पहली घर मिल गई थी, पर इस बार जो है सो आज है, अभी ही है, कल का क्या भरोसा, कुछ पल है हंसी खुशी के साथ में बिताने के। पंडित रामाकृष्णा, उसको मिलेगी तो कोई ना कोई सुराग जरूर देगी हमको। भाई बाया लो पंडित रामाकृष्णा। रानी हेशा, तुम ठीक तो हो ना? लगी तो नहीं? क्षमा करना, हमारा ध्यान ही नहीं था तुम्हारी ओर। ये क्या ले जा रहे हो तुम इसमें? ओ देखिए ना, सौदामिनी देवी को कितनी अच्छी मेहंदी रची जा रही है, तो ये शक्कर और नींबू का घोल थोड़ा कम पड़ गया था, बस वही लेने जा रहा था। अच्छा लाओ, हमें दो, हम लेकर आते हैं। देखी, बड़ी सुंदर लग रही है मेहंदी, बस एक कमी रह गई। लाइए दिखाई दिखाई। यदि यहाँ पे हम ये एक और ऐसे बनाएं और ये यहाँ तक आ जाए, आज रात्रि तुम्हारी इस घर में अंतिम रात्रि होगी। चींटियां प्रतीक्षा कर रही होंगी आपका शैया पर। आज सारी शायरी भूल जाओगे शहजादे। किंतु गुरुजी, ये घोल तो आपकी शैया पर ही गिर गया है। अरे वाह, आज किसी को निद्रा नहीं आ रही क्या? गुरुदेव की बुद्धिमता की चर्चे ने हम सब की निद्रा उड़ा दी है। और तो और अम्मा जी, गुरुदेव ने क्या नहले पे ढाला मारा, तोता मैना को हवा महल बनाने का कारीगर बता दिया और सबने बड़ी आसानी से मान लिया। कितने बुद्धिमान है गुरुदेव आप, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। उस बुढ़े का साथ छोड़ के लीजिए। मामू की चंपी से मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है। अब देखना ये है कि मुल्ला महोदय चंद्रमा पर सीढ़ी का निर्माण कैसे करते हैं। हाँ वाह अम्मा, परंतु देखना ये है कि ये तो बुद्धिदास की आवाज है, कहीं मुल्ला महोदय उसके साथ तो नहीं आ रहे? अम्मा गई हूँ, अम्मा से पुनः पहले तो नहीं पूछने आ रहे? भागो अम्मा, चलो चलो चलो, आ जाओ। अरे इधर नहीं अम्मा, उधर उधर उधर। हाँ
जाएगा। अरे नहीं, उधर तो आएंगे। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? इधर उधर। अरे मणि भागो। शारदा मुझे भी बचाओ मुल्ला नसीरुद्दीन जी की पहेली से। प्रणाम मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, आइए आइए, पधारिए पधारिए। अरे ये आप ही का घर है। वैसे इतनी रात्रि को कैसे आना हुआ? हम पंडित रामकृष्ण को अब कैसे समझाएं? हम इनकी मदद मांगने आए हैं पहेली सुलझाने के लिए। अम्मा जी शारदा देवी और आपके बेटे को मिलने को आई है। अब दरबार में आपकी हमारी मुलाकात होती है, ये लोग नहीं मिलती है, इसलिए आई। घर में कोई नहीं है क्या? है ना। अरे कैसे नहीं है, सब है, आपसे मिलने के लिए तरस रहे हैं। अम्मा शारदा गुंडप्पा मणि, अरे आओ आओ, देखो तो कौन आया है। मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, तुम सबके प्रिय मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय आ रहे हैं। महाराज बस एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी पहेली का हल मिल जाए और चांद पर सीढ़ी लग जाए, उसके बाद तो हम दोनों चांद पर ही रहेंगे। अरे तो महाराज, चांद पर भांति भांति की तरकारी मिलती होंगी या नहीं? इसीलिए हमने आज आपके लिए विशेष भांति भांति की तरकारियों का व्यंजन बनाया है और इनका नामकरण भी किया है। कितनी दूर की सोच रखती हैं आप, तो बताइए क्या है ये भिन्न भिन्न व्यंजन जो आज आपने बनाया है? हमने बनाया है चंद्र खीर अर्थात चंदन की खीर, नाशपाती दाल अर्थात नाशपाती की दाल। उत्तम, अति उत्तम। महाराज ग्रहण कीजिए। जी जी, पहले प्रार्थना करना चाहेंगे। हाँ। क्षमा कीजिएगा चंद्रदेव, आपके नाम पर इन खाद्य व्यंजनों का नामकरण कर दिया है हमारे महारानी तिरुमलम्बा जी ने। महाराज जी, आपने जिस चोर को कारावास में भेजा था, आप कह रहे थे कि वो बहुत ही सज्जन पुरुष है, उसके पास बहुत सारा धन है। यदि उनके पास इतना ही धन था तो उन्होंने अपने लिए भजिया क्यों नहीं क्रय की? उन्होंने असत्य क्यों कहा और स्वयं को निर्धन क्यों बताया? और महाराज सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने चोरी ही क्यों की? अवश्य इस चोरी के पीछे कोई और कारण है जिसका हमें ज्ञात लगाना होगा। मिष्ठान बनाने की तैयारी कैसी चल रही है? दूध चढ़ा दिया है और बहुत जल्द दूध पकने भी लगेगा और मावा भी तैयार हो जाएगा। और मैंने शक्कर और बाकी वस्तुओं की व्यवस्था कर दी है और सही आंच पर पकने की प्रतीक्षा है। ध्यान रहे, इस बार दूध जलना नहीं चाहिए, नहीं तो मिष्ठान बनने से पूर्व भी समस्त परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। अति शीघ्र विजयनगर का मीठा पकवान हम खाएंगे। वैसे यहाँ आने का कोई विशेष प्रयोजन तो नहीं होगा ना? अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो आपका घर है, अब चांद तो नहीं है ना कि वहाँ जाने के लिए सोचनी पड़ेगी कैसे जाए। हमको नींद नहीं आ रही थी, आपका याद आई इसलिए मिलने चली आई। मेरी याद आ रही थी? हाँ, हम आपके बारे में सोच रही थी कि आप कैसे कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मशहूर हो गई। सीढ़ी जी, सीढ़ी, कामयाबी की सीढ़ी, अब समझ रही ना हम क्या बोल दिए? हाँ हाँ, अब सब समझ आ रहा है। आप पहेली के विषय में बात करना चाहते हैं, चलिए थोड़ा परिहास किया जाए आपके साथ। पंडित जी कहाँ खो गई? हम क्या अर्ज कर रही है आप समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, सब समझ में आ रही है, आ रहा है। बस कोई खास वजह नहीं थी आने की, तो हम चलती है। जी 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 जी। पंडित जी। हाँ पंडित जी, हमको लगता है हमको नींद नहीं आएगी, अगर आपको जहमत ना हो तो हम इधर रुक जाए। हाँ मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप जब तक चाहे यहाँ रुक सकते हैं। वैसे ये बताइए कि आपने पहेली का हल तो अब तक ढूंढ लिया होगा ना? मुल्ला महोदय जी, जब आपको पहेली का उत्तर मिल जाए ना तो हमें भी बता दीजिएगा, हम भी चंद्रमा की सैर कराएंगे, ताकि चंद्रमा को भी तो पता चले कि धरती पर यहाँ एक और शांति है। जी जी जी, बस लगभग तैयारी हो गई है, सीढ़ी बन चुकी है, पर एक मुश्किल है, समझ नहीं आ रही कि सीढ़ी को चांद तक पहुँचाए कैसे। उसी प्रकार
जिस प्रकार मैंने हवा महल को हवा तक पहुंचाया था। परंतु आपने तो हवा महल बनाया ही नहीं था, अभी तो शहजादे को उन्हीं के जाल में फंसा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप चलती है, खुदा हाफिज। अभी जाते जाते हमें अम्मा जी और शारदा देवी के लिए एक पहेली याद आ गई। अरे इधर गई, इधर गई सब। चलो चलो कोई बात नहीं, फिर कभी हम आ जाएगी पहेली पूछने के लिए। जी जी बुद्धिदास आओ हमारे साथ। ये कौन कमबख्त इतनी रात को गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है? हमारी नींद ये क्या इतनी जल्दी सुबह हो गई और गुरुवार आप ना भी लिए? याद नहीं हमें हमारे गुरुवार के ऊपर इतनी सारी चिट्ठियां ना जाने कहां से आ गई। हमारे स्वामी है ही इतने मीठे कि सारी चिट्ठियां उन्हीं की तरफ चली आई। हमने तो धनी को नींबू शक्कर का घोल शहजादे की शैया पर डालने को कहा था, फिर ये चींटियां हमारी शैया पर कैसे आई? इस धनी को तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक बच्ची थी स्वामी, वो भी मार दी। स्वामी प्रणाम गुरुवर। गुरुवर प्रणाम। गुरुवर आपके मुख पर ये लालिमा कैसी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं कुछ तो हुआ है। नहीं नहीं कुछ 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 विशेष नहीं। वो क्या है कि हम गुरुवर ये आपके मुख को क्या हो गया? मैंने भी यही पूछा। हाँ कुछ नहीं हुआ मंत्री वर। वो क्या है कि रात्रि में गुरुवर आपके चेहरे का भूगोल क्यों बिगड़ा हुआ है? मैंने भी यही पूछा। हाँ? क्या पूछ रहे थे जो भूगोल है वो इतिहास बन चुका है। मतलब हम बताते हैं, ध्यान पूर्वक तीनों सुन लीजिए। वो हुआ ये कि रात्रि में जब हम विश्राम के लिए गए, महाराज कृष्ण देव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की। महारानी चेन्ना देवी जी, गुरुवर के चेहरे की दुर्गति किसने बना दी? गुरुवर आपके मुख को क्या हुआ है? सभी एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं। और कार्य नहीं है किसी के पास क्या? हमने कहा था ना कि महाराज या महारानी पूछेंगे तभी हम उत्तर देंगे। गुरुवर प्रश्न महारानी जी ने ही पूछा है। इसीलिए महाराज हम उत्तर दे रहे हैं। महाराज वो क्या हुआ? महाराज
रात्रि में जब हम विश्राम कर रहे थे, विश्राम नहीं कर रहे थे, हम साधना में लीन थे, तो अनायास एक तीव्र प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और तत्पश्चात चींटियों ने काटा है महाराज। बवाले मुस्तफा बीच में क्यों टपका? हमारा मतलब है महाराज, चींटियों के हमले की वजह से गुरुवर का चेहरा गमले जैसा हो गया। गुरुवर हमारा इतना रख चूसते थे, चींटियों को भी तो अवसर मिलना चाहिए था ना। ये तो मुल्ला नसरुद्दीन जी की आवाज है। आए चल के देखते क्या हुआ। आ मर गई, आ मर गई, मर गई, मर गई, मर गई। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय उठिए, अरे उठिए 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 उठिए, संभाल के संभाल के। मुल्ला जी चोटिल तो नहीं? आइए 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 बैठिए। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय आप गिर कैसे गए? आंखों के सामने अंधेरा छा गई, हम अर्श पे थी फर्श पर आ गई। ओ, आपको इस अवस्था में भी कविता सूझ रही है? ये कविता पाठ करने का समय नहीं है, कुछ समय पश्चात कर लीजिएगा। आप ये बताइए कि आप गिरे कहाँ से? बताइए। चांद पर से गिरी। चांद से? महाराज के पहली के मुताबिक हम चांद पर जाने के लिए लंबी सीढ़ी बनाई, उस पे चलकर चांद पर गई। जैसे पहला कदम चांद पे रखी, चांद जनाब गुस्सा हो गई, बोले बिना इजाजत हमारे राज में आप घुसी कैसे? हम उनको मकसद बताई, मकसद सुनकर और आग बबूला हो गई, हमारी सीढ़ी छीन ली और बोली जाओ महाराज से कहो कि इतनी बेसब्री है तो खुद आओ सीढ़ी ले जाओ। बहुत तकलीफ से। ये तो आवश्यकता से अधिक चतुर है। चांद जी ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम अभी जाकर चांद जी से वार्तालाप करते हैं। क्या बात करती महारानी तिरुमलम्मा, कैसे जाएंगी आप? हाँ? सीढ़ी तो चांद के पास है ना। अच्छा अच्छा जी। अद्भुत मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, अद्भुत। चांद ने सीढ़ी छीन ली। अच्छा लगा हमें आपका ये तर्क। अच्छा तर्क है। तो क्या निर्णय हुआ, हम चांद पर जा रहे हैं या नहीं? नहीं छोटी महारानी, हम नहीं जा रहे। परंतु क्यों? महाराज अब तो आप मानेंगे कि हमारे मुल्ला नसरुद्दीन की अकलमंदी भी किसी से कम नहीं, बेहद अकलमंद है वो। हम तो मुल्ला नसरुद्दीन महोदय की बुद्धिमता से पहले से प्रभावित है। चले भीतर चलते हैं। आइए। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? दुरुस्त फरमाई, दुरुस्त फरमाई। महाराज और शहजादे दोनों मिलकर हमारे साथ सदैव परिहास करते रहते हैं। चांद मुसीबत में डालती है। तो क्या कहते हैं, हम भी इन्हें बता दें कि ये यदि शेर हैं तो हम भी सवा शेर हैं। नेकी और पूछ पूछ बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ क्या कीजिए? श्री गणेश कीजिए। नहीं मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, देखिए मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ कि शहजादे अकलमंद हैं, किंतु मेरे महाराज भी अत्यंत बुद्धिमान हैं। हाँ हम मानती है, मानते हैं कि महाराज बहुत अकलमंद है, पर हमारे शहजादे के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। तो मेरे महाराज के लिए कहाँ कुछ असंभव है? हमारा शहजादा पत्थर निचोड़ के पानी निकल सकती है, और मेरे महाराज चाहे तो उसी पत्थर में पुनः जल डाल दे। शहजादा चाहे तो पानी में आग लगा सकती है, और मेरे महाराज चाहे तो आग को पानी की भांति शीतल कर दे। हाँ अवश्य ही पंडित रामकृष्ण के मस्तिष्क में किसी नई युक्ति ने जन्म लिया होगा, बस केवल अपनी सीमा ना लांघते। अब ये मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है शहजादे, ये हमारी इज्जत का सवाल है।
तो प्रश्न क्या है? देखिए महाराज, ये हम दोनों जानते हैं कि आप दोनों अत्यंत बुद्धिमान हैं, किंतु अब ये तय करना आवश्यक है कि आप दोनों में अधिक चतुर कौन है ना? सही, बिल्कुल सही। लेकिन ये तय होगा कैसे? वैसे ही जैसे हमने साबित किया है, आप भी साबित कीजिए। अर्थात पहले सुलझा कर। देखा देखा मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, मैं कहता हूँ ना, मेरे महाराज अत्यंत ही बुद्धिमान है, समझ गए? गुस्ताखी माफ, पर आप दोनों को एक पहेली का हल ढूंढना होगी। देखिए ये एक महाराज एक शहजादे, एक कितनी सी पहेली, कौन सी बड़ी बात है? आप दोनों ने तो बड़ी बड़ी जंगें जीती हैं, ये अदना सी पहेली क्या चीज है? सत्य कहा आपने मुल्ला महोदय जी, हमारे महाराज के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप अपनी पहेली पूछिए पूछिए पूछिए। हाँ। तो पहेली ये है, आप दोनों को ये कलश 1,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेचना होगा, और इसके लिए आप दोनों अपने पद का दबाव किसी पर भी नहीं डाल सकते। आप दोनों को साधारण व्यापारी बनकर अपनी ही दरबारियों को ये कलश 1,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेचना होगा। कोई मूर्ख इस साधारण से कलश को 1,000 मुद्राओं में क्रय करेगा? बजा फरमाती हैं आप, बजा फरमाती हैं आप, हमें आपसे ही इस अकलमंदी के सवाल की उम्मीद थी। धन्यवाद है गुरुवर, यही तो पहेली है। अच्छा, इन्हें सबको यकीन दिलाना होगा कि हजारों सिक्कों के लायक है ये, और इस कलश की खूबियां भी बतानी होगी। ये तो नामुमकिन है जी, ये असंभव है। हवा में महल बनाना भी तो असंभव था, यदि चांद तक सीढ़ी बनाना संभव हो सकता है तो ये कैसे असंभव हो सकता है? जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, आप दोनों के पास पूरा दिन का वक्त है। सर्रा नवाजी आपकी मुल्ला नसीरुद्दीन, जो आपने हमें इतना वक्त दिया। आप तो जानती हैं हमारा कितना बड़ा दिल है। सही कहा। महाराज, या तो इस पहेली को पूरी करें या अपनी पराजय स्वीकार कर लें। इस साधारण से कलश को 1,000 स्वर्ण मुद्राओं में किसको बेचेंगे? उठने की आवश्यकता नहीं है, बैठिए आप। शहजादे साहब, महारानी तिरुमलम्बा, ये कलश अत्यंत अद्भुत है, अब अष्ट धातुओं से बना हुआ है। अष्ट धातु क्या होती है? वो शहजादे, अब महारानी, अष्ट धातु के कलश में पानी पीने से आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। परंतु हमें तो कोई रोगी नहीं है। लेकिन महारानी, इस कलश में सिर्फ एक खूबी नहीं है, खूब सारी खूबियां हैं इस कलश में। अच्छा, वो क्या है कृपया बताइए। अगर कागज पर लिखकर आप अपनी कोई भी ख्वाहिश इसमें डालेंगी तो आपकी वो तमन्ना पूरी हो जाएगी महारानी। ख्वाहिश पूरी होगी या तमन्ना? महारानी जी, दोनों एक ही होते हैं, ख्वाहिश तमन्ना। अच्छा। अरे तो दोनों का अर्थ होता क्या है? मनोकामना। हमारी तो समस्त मनोकामना महाराज पूर्ण कर देते हैं, तो हमें इस कलश की कोई आवश्यकता नहीं। शहजादे साहब जी, ये मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय पंडित रामकृष्ण ने किस मुसीबत में फंसा दिया हम लोगों को? जी महाराज, अगर हमारा बस चलता तो हम 1,000 सोने के सिक्कों में पंडित रामकृष्ण को ही खरीद लेते। हमें पहेली का हल मिल गया, हमें पहेली का हल मिल गया महाराज। कितने दिन हो गए ना, आपने हमसे उचित प्रकार से वार्तालाप भी नहीं किया। हाँ, घर पे शहजादे कमाल थे ना, अब घर पे अतिथि होंगे तो उनकी सेवा तो करनी होती है ना।
कितने अच्छे हैं शहजादे कमाल, क्या व्यक्तित्व है शहजादे कमाल का। ये क्या कमाल 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 लगा रखा है, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है आपको उस बवाले मुस्तफा के साथ देखकर। बवाले मुस्तफा नहीं, कमाले मुस्तफा। परंतु आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए, आपकी शिष्या को इतना उत्तम वर जो मिल रहा है। हाँ, हम उनसे विवाह करने की सोच रहे हैं। शहजादे ने हमसे विवाह का निवेदन भी किया है और हम तेहरान जाकर उनकी मल्लिका बनेंगे। हाय, सोच कर भी कितना उत्तम प्रतीत होता है। शहंशाह कमाल मुस्तफा और कमाल सौदामनी मल्लिका। आप क्या कह रही हैं? यह असंभव है, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। स्वयं तो विजयनगर के महाराज बन नहीं पाए और हमें तेहरान की मल्लिका बनने से क्या रोकेंगे आप? सत्य का आटा गुरु माता ने, आप ना घर के रहे ना घाट के। सत्य कहता भी पाप हो गया अब तो। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, आज आप आसन ग्रहण कीजिए और आनंद उठाइए। क्या बात करती है, आइए आइए। शुक्रान शुक्रान। आइए गुरुजी, गुरुजी वो देखो, ये अपना आसन देकर पंडित रामकृष्णा ये क्या प्रपंच कर रहा है। गुरुजी अवश्य आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है। वहां जाके खड़े हो जा। सावधान, महाराज कृष्णदेव राय और शहजादे कमाले मुस्तफा के मध्य कलश बेचने की प्रतियोगिता अब आरंभ होगी। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। महाराज व्यापारी के वेश में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। नियम अनुसार दोनों प्रतियोगियों को एक एक अवसर प्रदान किया जाएगा। जो भी प्रतियोगी सर्वप्रथम इस कलश को 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं में दरबारियों को बेचेगा उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा। सभी हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये मुद्रा उछालने पर तय होगा कि पहले कौन प्रारंभ करेगा। अब चूंकि राजगुरु हम हैं तो ये मुद्रा हम ही उछालेंगे। यदि मुद्रा का ये भाग समक्ष होगा तो पहले महाराज प्रारंभ करेंगे, और यदि सिक्के का ये भाग ऊपर आया तो पहले बवाले कमाले मुस्तफा प्रारंभ करेंगे। अब हम सिक्का उछालते हैं। महाराज ये इसकी आवश्यकता नहीं है गुरुवर। परंतु महाराज ये निर्णय कैसे होगा कि ये कलश को पहले कौन बेचेगा? ये कलश हम दोनों साथ मिलकर बेचेंगे। जैसी आपकी इच्छा। ये अत्यंत साधारण कलश है, इसकी 1 सहस्त्र मुद्राएं तो कोई नहीं देगा। इस कलश को खरीदेगा उस खरीदार को इस कलश के साथ में पेश कीमती चीज मुफ्त मिलेगी। अच्छा, इस कलश के साथ निशुल्क मिलेंगे। क्या मिलेगा? पंडित रामकृष्णा और मौला नसरुद्दीन। ये सौदा तो अत्यंत लाभदायक है। हम 1000 स्वर्ण मुद्राओं में ये कलश लेते हैं। इतने कम मूल्य में पंडित रामकृष्ण और मौलाना नसरुद्दीन जैसे बुद्धिमान कहाँ मिलेंगे? हम इस कलश के 3000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। कलश हमें चाहिए। हम 5000 मुद्राएं देंगे। 6000 मुद्राएं हम देंगे।
सात सात मुद्राएं हम देंगे, आठ सहस्त्र मुद्राएं हम देंगे। चर्चे हमारे जमाने में सरेआम हो गई, जाने कैसे कब शेयर बाजार हम नीलाम हो गई। सत्य कह रहे हैं मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, ये दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम मनुष्य हैं, हमने कैसे बेच सकते हैं? पंडित जी, ये मजाक बहुत महंगा पड़ गई, बहुत अधिक महंगी। जी जी जी, हम माफी चाहती है, माफी चाहती है, हम अपने मुल्क को वापस जाएंगे। मुल्ला जी, आप कैसे जा सकते हैं? हम आपके लिए और पंडित रामाकृष्णा के लिए ही इतना मूल्य दे रहे हैं। शांति 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 रखिए, सब शांति रखिए महाराज। हम दोनों अभी इसी समय ये प्रतियोगिता निरस्त करते हैं। बोलिए ना मुल्ला। खारिज 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 खारिज। ये कैसे संभव है पंडित रामाकृष्णा? मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय जी, अभी तो लोगों ने बोलियां लगानी शुरू की है। बिल्कुल पंडित रामाकृष्णा, हम तो ये देखना चाहते हैं कि ये कलश कितने सोने के सिक्कों में बिकता है। कैसी बातें करते हैं शहजादा महोदय। महाराज, हम दोनों ने आप दोनों से ये पहेली मात्र इसलिए पूछी थी ताकि आप दोनों ये समझ सके कि किसी भी पहेली को हल करने में कितना परिश्रम लगता है। हम दोनों तो मात्र आपसे छोटा सा परिहास कर रहे थे। बोलिए ना। हाँ, ये सही बोलती है, हमने यूं ही मजाक में आपको चुनौती चुनौती वो दे दी थी। हाँ। महाराज के साथ परिहास 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 नहीं पंडित रामकृष्ण, इसे हम त्रुटि कहेंगे। जी तो करता है कि गले तक जमीन में गड़वा कर घोड़े दौड़वाते। आपने हमसे प्रयास किया, चलो एक क्षण के लिए हमने मान भी लिया कि हमने आपको अपना मित्र कहा है। हम राजा है परंतु हमने आपको अपना मित्र कहा है, परंतु ये अतिथि हैं, वो भी विदेश से आए हैं, शहजादे हैं, राजा है कहीं के, इनके साथ परिहास करने के विषय में आपने विचार भी कैसे कर लिया पंडित रामकृष्ण? सत्य वचन। मुल्ला नसीरुद्दीन, आप अब तो सही है, उम्र दराज है, फिर भी आपने हमारी और महाराज की इज्जत का जरा ख्याल नहीं किया। पंडित रामकृष्णा, आप दोनों ने हमारी परीक्षा नहीं ली, परिहास करने का प्रयास किया है। और इस उद्दंडता का दंड तो आप दोनों को अवश्य मिलेगा। क्षमा चाहते हैं महाराज, परंतु पंडित रामकृष्ण मात्र आपसे ये। महामंत्री जी, हस्तक्षेप नहीं, ये कोई छोटा अपराध नहीं है। ये तो हमने सोचा भी ना था। बहुत शौक था ना महाराज को पहेली सुलझाने के लिए देने का। अब तुम्हारा जीवन उलझ गया है पंडित रामकृष्णा। महाराज, ये अपराध नहीं, ये तो पाप है, घोर पाप है, और इसका दंड इन दोनों को अवश्य मिलना चाहिए जी। और इस अपराध के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय और पंडित रामकृष्ण, आप दोनों को एक माह के लिए कारावास दिया जाता है। महाराज, महाराज एक पहेली पूछने की इतनी बड़ी सजा? खामोश, यही हमारा और महाराज का फैसला है। हम निर्णय ले चुके हैं, इन्हें शीघ्र अति शीघ्र बंदी बना लिया जाए और कारावास में डाल दिया जाए।
अरे वाह शालदा, कितने समय पश्चात तुमने केसर का हलवा बनाया है, तनिक चख लू। कदापि नहीं, पहले वो चखेंगे उसके पश्चात तुम। आज अचानक अपने पति के लिए इतना प्रेम कहाँ से आ उमड़ पड़ा शारदा? इतने दिनों पश्चात हम घर पुणे लौटे हैं और आते ही महिला मंत्रिमंडल के कार्य में से हमें समय ही नहीं मिला, तो इसलिए हमने सोचा कि आज इनका प्रिय केसर का हलवा बनाएंगे। सही किया। मैं तो महाराज को राजा से पूर्व अपना मित्र मानता था, किंतु उन्होंने एक तुच्छ से परिहास के लिए इतना कठोर दंड दे दिया। हम भी तो शहजादे को अपनी औलाद की तरह मानती थी, अपने हाथों से उनको खिलाया, पर देखो उसी हाथों ने हथकड़ी पहना दी। वो कहते हैं ना, राजा आखिर राजा होता है, वो सुल्तान है, महान है, वो खास है, हम आम है, मगर हुजूरे वाला हम आप ये सैनिक सब उसका अगला सा गुलाम है। सत्य वचन, सत्य वचन। आइए सिर्फ किस तरफ यहाँ नहीं, इस तरफ है। वो सैनिक महोदय, आप हमें बंदी गृह का भ्रमण कराने लाए हैं क्या? आपको स्मरण भी है कि हमें कौन से कारागृह में ले जाना है? भाई सजा से पहले चला चला के हमारा दम निकालेगी क्या? हमारी उम्र का तो लिहाज करो। खामोश। मिल गया, मिल गया, यही वो कारागृह है। मिल गया। महाराज ये चोर है, इसने सेठ की दुकान से भजिया चुराया है। अरे ये तो वही भजिया चोर है। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, गुरुदेव को, गुरुदेव को अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया गुरुदेव को। क्या हुआ? गुरुदेव को महाराज ने कारावास का दंड सुना दिया है। ईश्वर, गुरुदेव का बेचारे को कारावास? गुरु माता, वो बुढ़ा मेरा गुरुदेव नहीं है, मेरे गुरुदेव पंडित रामकृष्ण हैं, और पंडित रामकृष्ण जी ने यानी मेरे गुरुदेव ने महाराज से पहले पूछी, महाराज ने उन्हें कारावास का दंड सुना दिया, कारावास भेज दिया। लामा को कारावास? ठीक है, कारावास ही हुआ है ना, हमें तो लगा पता नहीं क्या घटित हो गया। रामा के भाग का हलवा तो मुझे दे देना, उचित है अम्मा। नहीं मुझे, नहीं मुझे, मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, हम दोनों को ही दे देंगे। हे भगवान, मेरे बापू कारावास में है और इन्हें हलवे की पड़ी है। अम्मा जी, मेरे प्रिय गुरुदेव पंडित रामकृष्ण जी को कारावास हुआ। उठा लो। क्या उठा ले? जल का कलश उठा लो और पी लो, तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा। कैसा परिवार, पंडित रामकृष्ण जी मेरे प्रिय गुरुदेव को कारावास हुआ है और आप लोगों को कोई चिंता ही नहीं है। तो इसमें नया क्या है, हर समय किसी न किसी नई मुसीबत को स्वयं ही न्योता दे देता है। वो रामा है, दो दिवस में उन्हें घर वापस लौट आएगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शारदा, तू थोड़ा हलवा इसको भी दे दे, उचित थोड़ा सा देना। ला, हम तो चिंता में अभी सुधाई भूल गए थे, मंगा थोड़ा ज्यादा मंगा। स्वागत है अष्ट दिग्गज पंडित रामकृष्ण जी और तेहरान के महाज्ञानी मुल्ला नसरुद्दीन जी, परंतु ये कारावास तो हमसे चोर चकोर तीर्थ स्थल है। आप दोनों यहाँ पे? अरे आप तो बड़े सज्जन और बुद्धिजीवी पुरुष हैं, आपने क्या अपराध कर दिया? परिहास का दंड है, परिहास का। आप मेरे साथ परिहास कर रहे हैं? भाई साहब हाथ जोड़ती है, एक मजाक की तो यहाँ पहुंची है, आगे मजाक करने की हिम्मत नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, इससे अच्छा तो हम कोई अपराध ही कर लेते। अरे बिना गलती के महाराज ने हमको सलाखों के पीछे भेज दी, हमने क्या की थी, दिमागी गुत्थी सुलझाने को दी थी ना, बदले में वो क्या करती, हमको तीन चार गुत्थी सुलझाने को देती ना, ये क्या कैद खाने में भेज दी, वो भी एक महीने के वास्ते, हम इधर कैसे रह पाएगी? संसार के सबसे बड़े बुद्धिजीवी मेरे संग इस कारावास में है, ऊपर से महाराज से असंतुष्ट भी, ये तो सोने पे सुहागा है। यदि इनके मस्तिष्क का साथ मिल जाए तो हम दुनिया का हर खजाना चुरा सकते हैं।